नमस्कार दोस्तों, मैंने मैं दिब्यन्दु मंडल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से बोल रहा हूँ। मैंने जो बाई सेल सिग्नल कम स्किनर मेरा वेबसाइट पे मैंने डिस्प्ले किया है, तो वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है वो मैंने आपको दिखाता हूँ। तो इतना सारा स्टॉक्स का तो अभी मैंने एक साथ नहीं देखा पाऊँगा, तो एग्जाम्पल के तौर से मैंने कुछ स्टॉक्स चुन लेता हूँ। तो इसको पहले मैं फिल्टर कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी फिल्टर हो चुका था, इसको मैंने प्रायोरिटी ग्रेटर देन 2 के देके फिल्टर करके रखा है। और डिलीवरी परसेंटेज इसको मैंने लेस देन इक्वल टू 2 करके रखा है, 20 करके रखा है। और इसको इसका प्राइस मैंने जो 100 के ऊपर है उसको ही लिया है, इसको 100 के ऊपर जो है उसको लिया है मैंने। तो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, एड अदानी एंड का तो नहीं आया था, ओजन फार्म इसको देखिए, अजन फार्म को देखिए, ये 1055 लेवल पे तब बाई सिग्नल था, ये 1064 हाई हुआ और 995 में इसका सेल लेवल था, ये लो बनाया है 990.50 का। और देखते हैं BML है, ये BML 845 के ऊपर बाई सिग्नल था और 810 के नीचे सेल सिग्नल था। तो BML हाई हो चुका था 852 और इसका सेल लेवल तब आया नहीं था। और भी देखते हैं, इसको सेंचुरी टेक्स को देखिए, इसका बाई लेवल था 930 में और सेल लेवल था 890 में। ये 936 तक गया था और 890 सेल लेवल था, 890 सेल लेवल था, ये आया था, ये सेल लेवल में नहीं आया था, बाई लेवल में इसका 936 तक गया था। इंडिया सेम को लेते हैं, इसको 115.50 में इसका बाई था और 120 के नीचे इसका सेल था। तो देखते हैं, इसका 115 के ऊपर 115.50 ही तक गया था, 115.50 के ऊपर, और 109.50 पे इसका सेल लेवल था, ये 9.50 में आया नहीं है। अच्छा, और देख लेते हैं, जिंदल स्टील 226 के ऊपर बाई लेवल था और 218 के नीचे सेल लेवल।